जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। क्या बीजेपी के लिए कोई भी लक्ष्मण रेखा नहीं है? क्या आप हर त्रासदी, हर बड़ी घटना में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं? आज मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार के नुमाइंदे तुषार मेहता ने कहा था कि जो लोग अपने एयर कंडीशन घरों में बैठकर गरीब मजदूरों की बात करते हैं वो प्रॉफिट्स ऑफ डूम हैं और वल्चर्स हैं, यानी कि कयामत के पैगंबर और गिद्ध हैं। आगे सवाल मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, गिद्ध कौन? और मैं क्यों कह रहा हूं, और मैंने क्यों कहा कि ये लोग हर त्रासदी में भी सियासत खेल सकते हैं? सबसे पहले इस घटना पर गौर कीजिए, पूरा देश इससे हिल गया था। किस तरह से एक हाथी को एक पाइनएप्पल, एक अनानास खिलाया गया जिसके अंदर बॉम्ब्स थे, उसका जबड़ा फट गया। ये जो हथिनी थी वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि पेट में जो बच्चा था वो भी मर गया। एक हृदय विदारक घटना और पूरा देश इससे हिल गया। यह केरल के पालक्काड़ जिले में हुआ। बताया जाता है कि यह हाथी साइलेंट वैली नेशनल पार्क से आया था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी सियासत ढूंढ ली है। इसमें भी कहीं ना कहीं वो मुस्लिम एंगल ढूंढ रहा है, कैसे मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी घटना आपकी स्क्रीन पर, आप सब जानते हैं कि बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर वापस बिहार लौट रहे हैं। बिहार के अंदर जो क्वारंटीन व्यवस्थाएं उस पर ढेरों सवाल हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी पहले यह फैसला करती है कि हम 9 जून को बिहार में वर्चुअल चुनावी रैली करेंगे, यानी कि बिहार चुनावों की तैयारी इन्होंने अभी से कर दी, बाद में इसे इन्होंने प्रीपोन कर दिया और 7 जून को करने वाले हैं। क्या आपके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है? क्या यह वक्त है चुनावी रैलियां करने का, वर्चुअल चुनावी रैलियां करने का? क्योंकि आप पहले ही कह चुके थे कि हम 10 करोड़ घरों तक, 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे। एक ऐसे वक्त जब देश एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है, आप अब भी अपनी सियासत खेल रहे हैं। मगर मैं सिलसिलेवार तरीके से इन दोनों घटनाओं की बात करने वाला हूं। सबसे पहले यह घटना जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया है, एक प्रेग्नेंट गर्भवती हथनी, उसे एक पाइनएप्पल खिलाया जाता है, एक अनानास जिसके अंदर बॉम्ब्स होते हैं, ये इसके मुंह में फट जाता है, बाद में हथनी पानी में जाकर खड़ी हो जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। हालांकि पत्रकार राजदीप सरदेसाई की इस ट्वीट के मुताबिक हाथी की मौत पटाखों से सने अनानास खाने की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये एक जाल था जो जंगली सुअरों के लिए बिछाया गया था, जो कि किसानों की फसल को बर्बाद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी सियासत घोल ली है? कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए, केरल ने जो कोरोना संकट को लेकर जिस तरह का बेहतरीन काम किया है उसके लेकर तो ये लोग सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। अब इस वक्त भी इन्होंने सियासत खेली, कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसमें भी ये लोग हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सामने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का यह बयान, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने मल्लपुरम में हाथी की जो मौत हुई है उसे गंभीरता से लिया है। हम जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उसे पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है इस तरह से हाथी को फायर क्रैकर देना और मार देना। इसमें कई गड़बड़ है। सबसे पहले ये मल्लपुरम का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये घटना मल्लपुरम में नहीं हुई है, ये घटना हुई है मनरकाड़ फॉरेस्ट डिविजन में, जो कि पालक्काड़ जिले में आती है। अब आप सोचेंगे ये लोग मल्लपुरम का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मल्लपुरम केरला के अंदर एक मुस्लिम बाहुल इलाका है। और सिर्फ प्रकाश जावड़ेकर ये नहीं कह रहे हैं, इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके सामने केंद्र में एक और नेता, भारतीय जनता पार्टी सांसद मेनका गांधी भी हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किया आप देखिए। मल्लपुरम इज नोन फॉर इट्स इंटेंस क्रिमिनल एक्टिविटी स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू एनिमल्स। नो एक्शन हैज एवर बीन टेकन अगेंस्ट अ सिंगल पोचर और वाइल्ड लाइफ किलर, सो दे कीप डूइंग इट। आई कैन ओनली सजेस्ट दैट यू कॉल ईमेल फॉर एक्शन। यानी कि मल्लपुरम का यहां पर नाम लिया जा रहा है और अब तक जो भी खबरें आ रही हैं उन सब में ये बात स्पष्ट है कि यह घटना पालक्काड़ जिले में हुई। और दूसरी बात,
प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ है इस तरह से किसी हाथी या हथनी को पटाखा खिलाना, उसे मार देना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रकाश जी, इस तस्वीर में जब देहरादून में बीजेपी के विधायक गणेश जोशी ने एक पुलिस के घोड़े के पांव पर मारा था, शक्तिमान नाम का एक घोड़ा था, उसका पांव टूट गया था और कुछ दिनों बाद वो मर गया था, तब आपकी भारतीय संस्कृति कहां गई थी बताइए ना? तब तो आपने भारतीय संस्कृति की बात नहीं की थी। और जहां हाथी हिंदुओं के लिए पूज्य है, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि रामायण में एक प्रकरण था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ, इसमें किस जानवर का प्रयोग किया गया था? तस्वीर देखिए, घोड़े का इस्तेमाल किया गया था। तब आपको क्या भारतीय संस्कृति और रामायण की याद आई थी जो अब आप इस मुद्दे में भारतीय संस्कृति ढूंढ रहे हैं? बतौर पर्यावरण मंत्री इस खबर के मुताबिक आपने कहा था कि नीलगाय और जंगली सुअरों को हम पैरासाइट्स के तौर पर, वर्मिन के तौर पर अगर राज्य चाहें तो ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो उन्हें मार सकते हैं। ये दोनों तो प्राणी है ना, इनके अंदर भी जान है कि नहीं है बताइए। तो मैं जो आपसे पूछने का यहां प्रयास कर रहा हूं कि इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों और इस मुद्दे पर भी आप सियासत कर रहे हैं, मैं आपको एक और दिलचस्प चीज बताता हूं। गोदी मीडिया अब लगातार ये फोकस कर रहा है कि किस तरह से यह घटना मल्लपुरम में हुई। आपके सामने ANI की खबर, इसमें क्या कहा गया है, पिनरई विजयन के बयान को पेश किया गया मगर साथ में बहुत ही खूबसूरती से मल्लपुरम जोड़ दिया गया है। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द प्रेग्नेंट एलिफेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज प्रोबिंग द केस एंड द कल्प्रिट्स विल बी ब्रॉट टू बुक, पिनरई विजयन केरला CM ऑन एलिफेंट डेथ इन मल्लपुरम आफ्टर बीइंग फेड क्रैकर स्टफ्ड पाइनएप्पल। यहां पर मल्लपुरम का नाम ले लिया। अब आपके सामने सी न्यूज की खबर, मेनका गांधी ने केरला सरकार की आलोचना की, राहुल गांधी से भी सवाल किया कि आखिर मल्लपुरम में एक गर्भवती हथिनी को क्यों मार दिया गया। अब देखिए रिपब्लिक, केंद्र सरकार ने कार्रवाई का भरोसा जतलाया और राज्य सरकार से केरल के मल्लपुरम में एक गर्भवती हथिनी की मौत पर रिपोर्ट मांगी। बार बार मल्लपुरम का जिक्र किया जा रहा है जबकि जैसा मैंने बताया कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस वक्त ये जो घटनाक्रम है वो मनकड़ फॉरेस्ट डिवीजन में हुई। पता कीजिए मनकड़ फॉरेस्ट डिवीजन जो है वो पालक्काड़ जिले के अंदर है, इसका मल्लपुरम से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब तक जो फॉरेस्ट डिवीजन के लोग कह रहे हैं कि ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क से आया है जो फिर पालक्काड़ जिले में है, वो पालक्काड़ जिला जो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, जो मुस्लिम बाहुल नहीं है, मगर जानबूझकर मल्लपुरम एंगल को यहां पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जैसे मैंने कहा ना, यहां पर भी धर्म को जोड़ना, यहां पर भी मुस्लिम एंगल जोड़ना, यहां पर भी सियासत करना, एक हाथी हथनी मर गई, एक गर्भवती हथनी मर गई जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, मगर उससे भी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर भी सियासत कर रही है। क्या आपको शर्म आती है? क्या आपके लिए कोई भी लक्ष्मण रेखा है? और मैं फिर वो सवाल दोहराना चाहूंगा, ऐसे में गिद्ध कौन है? Who is the vulture? Who is the prophet of doom? Will the BJP mind answering my question? बात यहां नहीं थमती कि आप जानते हैं एक ऐसे वक्त जब देश एक जबरदस्त संकट का सामना कर रहा है, कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, हम लॉकडाउन खोल रहे हैं मगर जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 7 जून को बिहार के अंदर एक वर्चुअल चुनावी रैली कर रही है। मैंने बात की RJD के सांसद मनोज झा से, मनोज झा इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं आप सुनिए। देखिए अभिसार जी, मुझे तो इस विषय पर टिप्पणी करना भी काफी अमानवीय लग रहा है क्योंकि क्या कहूं, जब पूरा कोहराम मचा है, जीवन तहस नहस है, तब अचानक अमित शाह जी तय करते हैं कि अब हम 9 को रैली करेंगे। फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि हम JP आंदोलन का जो प्रतीक है ताली और थाली बजाएंगे, तो फिर तिथि बदल दी गई, अब 7 जून को माननीय गृह मंत्री जी रैली करने जा रहे हैं। ये क्या लग नहीं रहा कि शमशान में आप विवाह के गीत गा रहे हैं? ये कौन सी राजनीति होती? आपकी पूरी संवेदनाएं मृतप्राय थी,
जब वो सड़कों पर डरावनी छवियां हम प्रवासी मजदूरों की देख रहे थे, बेसहारा लोगों की देख रहे थे, तब तो डिजिटली आपने अपील नहीं की, डिजिटली आपने मदद पहुंचाने की कोशिश नहीं की। और क्या आप दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, क्या आपके अंदर इतना छोटा सा दिल नहीं है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त संकीर्ण राजनीति और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ताना बाना बुनने का नहीं है, ये वक्त मलहम लगाने का है और वहां आप चूक रहे हैं। मुझे तो मैं कहूं कि शर्म आ रही है कि हम इस दौर में पहुंच चुके हैं जहां मानव जीवन का कोई ठिकाना नहीं, क्या होगा कल ये नहीं पता। लेकिन हाँ, राजनीति में मैं तो सॉलिसिटर जनरल साहब का वो फ्रेज लेना चाहता हूँ जो उन्होंने वल्चर्स वाली बात कही थी, अब तय हो जाए कि कौन वल्चर है। बिहार में सियासत जाहिर सी बात है बहुत उग्र हो गई है और इस मुद्दे पर आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव ने क्या कहा आपकी स्क्रीन्स पर, सरकार वर्चुअल रैली के ढोंग से जमीन की एक्चुअल सच्चाई को छिपाना चाहती है। इस विपदा में सरकार ने किसान मजदूर और भूखे की थाली खाली कर रखी है, इसीलिए इनकी असंवेदनहीनता के प्रतिकार में 7 जून को हम थाली कटोरा बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। आरजेडी का ट्विटर हैंडल क्या कहता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री, उनका दल और सरकार दिल्ली के दंगों, नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने के लिए देरी कर देश को कोरोना संकट में ढकेल सकते हैं, मजदूरों, गरीबों, आम भारतीयों को उनके हाल मरता छोड़ चुनाव में उतर सकते हैं, उन्हें उन्हीं की थाली पीट अंदाज में जगाना, आईना दिखाना जरूरी है। तो आरजेडी ने उग्र तेवर यहां पर अपनाकर उन पर हमला बोल दिया है। देखिए, मैं बात स्पष्ट कर दूं, मैं कहता हूं अगर हालात सामान्य होते और अगर आप सियासत करते तो बात समझ आती, मगर यह सवाल बीजेपी पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि देश की जनता इतनी अंधी हो गई है, इतनी मूर्ख हो गई है कि उसे यह संवेदनहीनता दिखाई नहीं दे रही है, उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है कि आज की तारीख में मेरे जैसा पत्रकार जो गरीब की बात कर रहा है, जो अप्रवासी मजदूरों के सड़क पर खस्ता हाल होने की बात कर रहा है, गिद्ध मैं नहीं हूं, गिद्ध वो राजनीतिक दल हैं जो इस वक्त भी इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है। देखिए हुआ क्या है, अरसे से इस देश का जो मिडिल क्लास है ना, वो हमारा कॉन्शियंस कीपर रहा है, यानी कि जो ज्वलंत मुद्दे रहे हैं उस पर देश का मध्यम वर्गी अक्सर अपनी राय जाहिर करता रहा है, मगर आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर किसी ने धतूरा धर्म का और छद्म राष्ट्रवाद का चाटा है तो देश का मध्यम वर्गी है। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज की तारीख में सड़क पर गरीब मजदूर मर रहा हो, उसके लिए तो बस यही है कि साहब मुसलमान को ठिकाने लगाया जा रहा है, उसके लिए बस यही सा है कि साहब पाकिस्तान को ठिकाने लगाया जा रहा है। वो अपनी सरकार से ये भी नहीं पूछता कि अब खुद लद्दाख के अंदर आवाजें उभर कर आ रही हैं कि LAC को पार करके चाइना ने भारतीय जमीन पर बंकर्स और टेंट बना लिए हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं। लद्दाख में कल मैंने बीजेपी के एक नेता से बात की, कांग्रेस के नेताओं से बात की, वहां कई काउंसलर्स से बात की, सब एक स्वर में कह रहे हैं कि चाइना के अंदर, चाइना की जो सेना है भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। कितना अंदर आए ये वो नहीं जानते क्योंकि जाहिर सी बात है इसको लेकर पारदर्शिता नहीं है, मगर कम से कम वो लोग फिंगर फोर तक पहुंच गए हैं। मगर क्या इस पर कोई सरकार से सवाल कर रहा है? कोई मीडिया हाउस नहीं कर रहा है। राजनाथ सिंह से सब इंटरव्यू करते हैं, किसी की हिम्मत तक नहीं होती एक सिंपल सा सवाल पूछने को कि LAC को अगर चाइनीज सेना पार कर गई है तो कितना आगे आ गई है? क्या इतना सा सवाल आप नहीं पूछ सकते? हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक सलीका होता है, और अब तक क्या हो रहा था कि हमारे राजनीतिक दल कुछ मुद्दों पे लक्ष्मण रेखा खींच लेते थे कि भाई कम से कम हमें इन मुद्दों पर सियासत नहीं करनी है, मगर भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत में मदमस्त होकर उन तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रही है। और विडंबना देखिए, लक्ष्मण रेखा का सबसे ज्यादा जिक्र कहां होता है? रामायण में होता है। सो कम से कम जो लोग रामायण पर या भगवान राम पर सियासत करते हैं तो उन्हें तो लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए ना। बताइए, सबसे ज्यादा यही लोग लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।